बजट जीपीयू इन द हाउस आरटीएक्स 5070। वैसे 5070 टीआई और 5080 मेरा रह गया था, 5090 का तहलका हमने दे दिया था आपको चैनल पे, और भाई उस पर क्या रिस्पांस दिया तुमने। एंड मैंने कहा चलो पहले ना बजट वाली जनता से थोड़ा प्यार बना लेते हैं, क्योंकि जो 4070 टीआई वाली जो रेंज है, जो हमारा 1440p किंग ग्राफिक कार्ड है, अब उसके अंदर आ गया MFG मल्टी फ्रेम जनरेशन। और इसी ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने लॉन्च पे कि भैया 4090 वाली परफॉर्मेंस देंगे, तो वो क्या चीज है वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसको 4070 से भी कंपेयर करेंगे कि कितना जनरेशनल लीप हमारे को मिल रहा है या वही सेम परफॉर्मेंस है, बस मल्टी फ्रेम जनरेशन है, और क्या आपको 4070 पे टिके रहना चाहिए, इस पे अपग्रेड करना चाहिए, नया पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो उसके सारे सवाल एकदम भरपूर जवाब मिल जाएंगे। डब्बा बनी खोल रहे हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। $549 जो ऑफिशियली एनवीडिया ने बोला था, वो फाउंडर्स एडिशन कार्ड है, जो ऑब्वियसली इंडिया में हम जैसे कंज्यूमर्स को तो मिलते नहीं है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होगी इस टाइप के जीपीयूज की जो ब्रांड्स बनाते हैं, वो 60,000 से 70,000 के बीच में होने वाली है, जो ऑब्वियसली हमारी 40 सीरीज वाली ही प्राइसिंग है, जो 4070 Ti वो भी इसी रेंज में मिल जाते हैं। एंड कार्ड अगर आप देखोगे यहाँ पे MSI गेमिंग ट्रायो जो हमारे पास आया है, बढ़िया सुंदर कार्ड है अपना, ट्राय फ्रॉजर 4 थर्मल डिजाइन इसके अंदर यूज कर रखा है, मतलब कितना भी लोड डालोगे जैसे 200 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, तो उसके अंदर एकदम ठंडक मेंटेन रहती है। और यहाँ पे हमारे को फैंस मिल जाएंगे 3 बढ़िया, उसके ऊपर MSI का लोगो बन रखा है, बीच में सिल्वर, साइड में ब्लैक, और मेटल की बैक प्लेट हमारे को मिलती है, और बैक प्लेट पे भी MSI का ड्रैगन एकदम फुल डिजाइन में बन रखा है। और जो इनके फैंस है वो 7 ब्लेड वाले फैंस यूज कर रखे हैं, स्टॉर्म फोर्स फैन ये इसको बोल रहे हैं, एकदम बढ़िया ठंडक का माहौल रहता है। एंड इसके अंदर जीरो फ्रॉजर टेक्नोलॉजी भी जो MSI के अंदर कार्ड में मिल जाती है, मतलब जब आपका कार्ड यूज नहीं हो रहा होता तो बिल्कुल फैंस रुक जाते हैं, पावर कंजम्पशन बेफालतू का नहीं हो रहा होता। और जब इस कार्ड को प्लग कर दोगे तो यहाँ पे RGB मिलती है हमारे को ऊपर फैन के इधर और इस तरफ, और यहाँ पे जो MSI का लोगो है ना इस तरफ, इसके अंदर भी RGB जलती है, तो अगर वर्टिकली माउंट करोगे तो सेक्सी लगेगा। एंड अगर टेक्निकली कंपेयर करते हैं 4070 से, तो हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 4% का जंप मिलता है इन CUDA कोर्स, RTN टेंसर कोर्स। एंड यहाँ पे VRAM अभी भी सेम है, 12GB VRAM ही 4070 सीरीज आती थी, ये भी 12GB VRAM के साथ ही है, बस मेमोरी बैंडविड्थ का डिफरेंस है, वो GDDR6 था, ये GDDR7 है, मतलब जो डेटा ट्रांसफर है आपका GPU का मदरबोर्ड से वो फास्ट हो गया। एंड पावर कंजम्पशन बढ़ गई है, पहले 200 वॉट तक जाता था 4070, ये 250 वॉट तक जाता है। और जो लेटेस्ट 50 सीरीज के कार्ड है DLSS 4, यानी कि मल्टी फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट करते हैं, जो आपको पिछली जनरेशन में सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड इसी चक्कर में लोग नई जनरेशन के पीछे भागेंगे। परफॉर्मेंस दिखाता हूं वैसे भी आगे आपको। एंड जो टेस्ट बेंच हमने यूज करी है उसमें भाई गेमिंग वाला प्रोसेसर लगाया है, AMD Ryzen 7 9800X3D, मदरबोर्ड लगाया MSI X870 कार्बन वाईफाई, 64GB हमने डुअल चैनल में T4 डेल्टा रैम यूज करी है, 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, ऑब्वियसली AMD एक्सपो प्रोफाइल ऑन कर ली थी। एंड MSI का कोर लिक्विड E360 AIO यूज करा है, और 1200 वॉट की Corsair की पावर सप्लाई यूज करी है, RM1200X, वैसे जरूरत नहीं है 1200 वॉट की, हमारे पास पड़ी थी तो हमने लगा दी भाई साहब। और जो टेस्ट बेंच में जितनी भी हमने चीजें लगाई ना, ओवरकिल रैम, ओवरकिल प्रोसेसर, ऑब्वियसली जब आप पीसी बिल्ड करोगे जरूरी नहीं है कि आप यही सब लगाने वाले हो, हमारे को बेस्ट परफॉर्मेंस अब निकालनी होती है ना किसी चीज की जो आपको दिखानी है, तो उसके लिए टेस्ट बेंच बनाई है बस ये। एंड अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स की। सबसे पहले 3D Max Time Spy, जिसके अंदर आप देख सकते हो 20% ज्यादा हमारे को स्कोर मिल रहा है 4070 कंपैरिजन में। एंड मैंने 4090 इसलिए साइड बाय साइड लगा दिया था, मैंने कहा चलो इनके क्लेम भी देख लेते हैं कितने बड़े बड़े हैं, जिससे तो साइड बाय साइड भाई बिल्कुल नहीं रॉ परफॉर्मेंस मैच हो रही है ऑब्वियसली। सेम ब्लेंडर बेंचमार्क में भी 15% के आसपास बेटर परफॉर्मेंस है लास्ट जनरेशन से। उसके बाद AI टेक्स्ट जनरेशन बेंचमार्क क्या था, जिसके अंदर 5070 का बहुत छोटा सा जंप है 4070 से, और भाई 4090 से तो दूर दूर तक नहीं मैच खा पा रहा है। एंड Geekbench 6 का OpenCL वाला बेंचमार्क, जिसके अंदर 6% बेटर नंबर हमारे को मिल रहे हैं, और वहीं पे अगर Geekbench का AI वाला बेंचमार्क आप देखोगे तो उसके अंदर भी हमारे को 10-15% के आसपास ही बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है 4070 से। और जब इतनी बातचीत हो गई है परफॉर्मेंस की, अब जरा गेम टेस्ट देख लेते हैं। 1440p एंड 4K दोनों पे कंपेयर करा है, जिसके अंदर हमने 4090 को भी साइड में रखा है, जो बोल रहे थे ना हम उसकी बात करेंगे इसके अंदर। गेमिंग में सबसे पहले Alan Wake 2, एंड यस गेमिंग का मैं आपको बता दूं, हमने जितने भी GPU इंटेंसिव गेम है वही रखे हैं, यही देखने के लिए कितना बेटर हमारे को जनरेशनल लीप मिल रहा है। तो 5070 में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को 10-20 फ्रेम्स आसपास बेटर मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही मान सकते हो, कुछ कुछ सिनेरियोज में वो चेंज हो जा रहे हैं ऊपर नीचे, एंड ये बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस है 1440p में। एंड अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा देते हो तो उसके अंदर भी सेम ही परफॉर्मेंस वो ऊपर हो जाती है, मतलब 5-7 FPS एक्स्ट्रा 1440p पे। किसी भी गेम में हमने मल्टी फ्रेम जनरेशन को नहीं टेस्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी इतने बढ़िया फ्रेम रेट आ रहे हैं, मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा तब होगा ना भाई साहब, 4090 कह रहे थे बराबर में, तो हम 4K में टेस्ट करेंगे। अभी आप 4090 में जैसे रॉ परफॉर्मेंस देखोगे इसकी, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगा के ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म कर रहा है 4070 की तरह। एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में अगर हम फ्रेम जनरेशन भी लगा देते हैं, ये 2x वाली फ्रेम जनरेशन है जो एक्चुअल 40 सीरीज पे मिलती है, तो दोनों में सेम लगाइए तो वही हमारे को 5-10 FPS एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर जो हमारा बिल्कुल एकदम GPU इंटेंसिव गेम है Black Myth Wukong, इसके अंदर हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग यानी कि सिनेमैटिक में यहां पे 10 FPS एक्स्ट्रा हमारे को मिल रहे हैं, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो यहां पे 15-20 FPS का डिफरेंस आता है। एंड वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को
वेरी हाई पे कर देते हैं तो भी 5-7-10 FPS एक्स्ट्रा मिलते हैं, एंड वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे फ्रेम जनरेशन लगा देंगे तो भी उतना ही जंप हमारे को मिलता है। साइबरपंक में थोड़ा ज्यादा जंप है 15-20 FPS का, बट ऑब्वियसली वो भी इतना ज्यादा नहीं है, एंड उसी के अंदर फ्रेम जनरेशन लगा देते हो तो थोड़ा सा 50-70 ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 50 के आसपास एक्स्ट्रा FPS मिल रहे हैं, एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग को अगर अल्ट्रा कर देते हैं तो इतना ज्यादा कोई जंप नहीं है, यानी कि रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस वो जो 4% बोल रहे ना बस वो 4% है, एंड वहीं पे अगर फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं रे ट्रेसिंग पे तो वही बहुत थोड़ा सा जंप हमारे को मिलता है। और हेलब्लेड 2 ये भी काफी ज्यादा GPU इंटेंसिव है, एंड इसके अंदर तो बिल्कुल ही सेम परफॉर्मेंस निकल गई, एंड उसी के अंदर फ्रेम जनरेशन भी हमने लगा के देखा तो उसके अंदर भी बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस है। देन 1440p में लास्टली हॉगवर्ट्स लेगेसी सेम परफॉर्मेंस ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है, एंड अगर DLSS फ्रेम जनरेशन लगा देते तो अलग अलग सिनेरियोज में ऊपर नीचे हो रहा था, कभी 4070 बेटर तो कभी 5070 बेटर, मतलब सेम ही परफॉर्मेंस है। अब कर लेते हैं 4K वाली बातचीत। भाई 4K में आप देख सकते हो यहां पे बिल्कुल सेम फ्रेम रेट हमारे को मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। हां एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे जो 5070 है वो ज्यादा वॉटेज कंज्यूम कर रहा है, तो वही है परफॉर्मेंस पर वॉट सेम ही है, 4070 अगर कम कर रहा तो उसके उतने ही FPS कम है, 1-2 FPS बढ़ जा रहे 20-30 वॉट एक्स्ट्रा करके, एंड वहीं पे अगर फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो भी वही अपना 5-7 FPS का डिफरेंस है। एंड इसी के अंदर आता है ट्विस्ट मल्टी फ्रेम जनरेशन का। अब 4K पे यही गेम 3x एंड 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन पे आप देख सकते हो क्या तगड़े FPS है, एंड इसमें आप साफ देख सकते हो विजुअली यहाँ पे डिफरेंस है, ब्लैक यहाँ पे जो AI फेक फ्रेम्स डाले जा रहे हैं ना इसके अंदर वो जब जनरेट होते हैं तो GPU ढंग से जनरेट नहीं कर पाता तो कुछ ऐसे ब्लैक सा दिखाई देता है, आउटलाइनिंग हो गई प्लेयर के आसपास या कुछ है, एंड ऑब्वियसली उस पर नजर जाती भी है। उसके बाद साइबरपंक में थोड़ा यहाँ पे 5070 बेटर परफॉर्म कर रहा था, मतलब 4K अल्ट्रा में 4070 ने कह दिया था ना भैया मैं तो भाई प्लेबल फ्रेम रेट नहीं दूंगा, लेकिन 5070 ने प्लेबल फ्रेम रेट दिए। उसी के बाद अगर इसमें फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं जो हमारी नॉर्मल फ्रेम जनरेशन है 2x वाली, उसके अंदर भी काफी डिफरेंस मिला 4K पे स्पेसिफिकली, एंड वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर देते हैं तो 5070 ने कम फ्रेम रेट दे रहा था, पता नहीं क्यों, हो सकता है फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह के थ्रू ड्राइवर अपडेट्स के थ्रू फिक्स हो जाए। देन रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में मैंने सोचा फ्रेम जनरेशन भी लगा लेते हैं 2x वाली, उसके अंदर वही 5-10 FPS एक्स्ट्रा, और यहीं पे अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाते हो सिर्फ और सिर्फ 5070 मिलते हैं जो कि हमारे को उसमें बहुत अच्छे फ्रेम रेट मिलते हैं और वही विजुअली इंपैक्ट डालते हैं, फास्ट मूवमेंट जहां पे होंगे ना वहां पे ज्यादा पता लगता है, ये जैसे बेंचमार्क चल रहा है इसमें इतना पता नहीं लगता। देन एलन वेक 2 आ गया, सेम परफॉर्मेंस यहां पे हमारे को मिल रही है रॉ में, उसके बाद अगर फ्रेम जनरेशन लगाते हैं तो उसके अंदर 5-10-15 FPS एक्स्ट्रा मिलते हैं, एंड वहीं पे रेट्रेसिंग को भी अल्ट्रा करते हैं तो दोनों ही GPU ने मना कर दिया भैया 4K में, कह रहे भैया रॉ परफॉर्मेंस में तो हम नहीं खिलवा पाएंगे, बट अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो ऑब्वियसली ठीक ठाक प्लेबल फ्रेम रेट मिल जाते हैं, मतलब लास्ट जनरेशन से आपने पूरा नोटिस कर लिया होगा इतना ज्यादा कोई जंप है ही नहीं। लेकिन जंप कहां आता है, वो आता है मल्टी फ्रेम जनरेशन में, जैसी मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाई भाई एकदम से फ्रेम रेट हमारे 48-50 के आसपास हो गए। वैसे इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्यूचर में और बेटर फ्रेम रेट मिल सकते हैं बिकॉज 3x और 4x में सेम ही है, जबकि डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए था। अब जरा एनवीडिया के क्लेम्स को देख लेते हैं, भाई 4090 से कह रहे थे वही परफॉर्मेंस मिलेगी, हमने रॉ पे टेस्ट किया और आप देख सकते हो डिफरेंस अच्छा खासा है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा खासा भी नहीं है बट स्टिल पता लग रहा है कि हाँ यार वहां पे हमारे को जो रॉ परफॉर्मेंस है बेटर मिल रही है, और वहीं पे अगर हम फ्रेम जनरेशन भी लगा देते हैं तो भी हमारा 4090 बेटर परफॉर्म करता है, एंड उसके बाद अगर आप रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे डाल दोगे तो 5070 के अंदर इतने अच्छे फ्रेम रेट नहीं मिलते हैं, 4090 में प्लेबल मिलते हैं, एंड उसी के अंदर अगर आप फ्रेम जनरेशन भी लगा दोगे तो भी भाई ऑब्वियसली 4090 इज बेटर। और जो एनवीडिया बोल रहा था ना कि सेम परफॉर्मेंस 4090 वाली मिलेगी, वो यहां से आप पहचान सकते हो, 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन अगर 5070 पे लगाते हैं तब जाके ऑलमोस्ट 4090 वाली परफॉर्मेंस मिलती है, तो 4090 का जो 2x फ्रेम जनरेशन है वो बहुत अच्छा विजुअली दिखाई देता है, बहुत बेटर परफॉर्म करता है, तो ये इसको मैच करवा रहे थे भाई साहब। सेम चीज एलन वेक 2 में टेस्ट करी, भाई डबल का डिफरेंस है फ्रेम रेट में, उसी के अंदर अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो भी अच्छा खासा फ्रेम रेट 4090 में मिलता है, और रे ट्रेसिंग को अगर अल्ट्रा पे कर देते हैं तो 4090 प्लेबल तो नहीं कह सकते बट ऑब्वियसली बहुत बेटर फ्रेम रेट है, 3 गुना ज्यादा है, यहाँ पे 5070 ने तो मना ही कर दिया भैया, एंड वहीं पे फ्रेम जनरेशन जैसे कि लगा देते हैं तब भी हमारे को डबल का डिफरेंस मिलता है 4090 एंड 5070 में। और एनवीडिया के क्लेम के हिसाब से 4090 वाली परफॉर्मेंस अगर हम 4x फ्रेम जनरेशन से भी देखते हैं तब भी वहां पे हमारे को बेटर फ्रेम रेट मिल रहा है 4090 में। तो ओवरऑल गेमिंग को इंक्लूड कर देता हूं, 5070 थोड़ा सा जंप है 4070 का, बाकी 4090 से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है, बस एक जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है वो एक टेक्नोलॉजी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, बाकी बेंचमार्क और गेमिंग से आपको आइडिया लग गया होगा। तो भाई होगी पूरी टेस्टिंग 5070 की, एंड बस वही है मल्टी फ्रेम जनरेशन का ही बेनिफिट आपको मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ 50 सीरीज के GPUs में ही है, एंड उसकी वजह से विजुअल सैक्रिफाइस होता है। और अगर प्राइसिंग की बात करते हैं, अगर सेम 40 सीरीज की प्राइसिंग बात है और आप नया PC बिल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली 50 सीरीज के लिए जाओ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मजे लो, और अगर आपके पास 20 सीरीज या 30 सीरीज का GPU है उसके बाद अपग्रेड प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर 50 सीरीज के लिए जाना, वरना अगर 40 सीरीज सेकंड हैंड में मिल जाए तो कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है, इतने सारे फ्रेम रेट का करोगे क्या जो मल्टी फ्रेम जनरेशन घुसाए जा रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा एयर रिफ्रेशमेंट वाले मॉनिटर भी तो होने चाहिए। एंड मेनली मेरे दिमाग में कैच और आ रहा है ये 40 सीरीज को ना आप जैसे गायब भी कर देंगे मार्केट से, डिसकंटिन्यू कर देंगे कि आपके पास ऑप्शन नए खरीदने के लिए 50 सीरीज ही बचे। बाकी कंपैरिजन किस किस GPU से चाहिए आपको इस वीडियो के बाद की भैया इससे कंपेयर करना है वो ये वो करके, आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे हम उसके साथ GPU का कंपैरिजन बना देंगे। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं 5070 को लेके एंड 60-70,000 की प्राइसिंग पे GPU आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, रॉ परफॉर्मेंस 4090 सब आपने देख ही लिया और उसके बारे में जो भी थॉट्स है वो भी बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।